चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और हॉट अदाकारा काजल राधवानी अभिनीत भोजपुरी फिल्म मुकद्दर को बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में रिलीज करते ही बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में बम्पर ओपनिंग मिली है। जी हां, सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और काजल राधवानी की मुकद्दर को बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में बम्पर ओपनिंग के साथ शानदार कलेक्शन भी करती नजर आ रही है। जी हां, इस फिल्म को करीब 300 सिनेमाघरों में बिहार और झारखंड के में रिलीज किया गया है। फिल्म को रिलीज होते ही हाउसफुल ओपनिंग के साथ फिल्म को टिकट ना मिलने से दर्शक भी काफी नाराज नजर दिखते नजर आए। साथ ही साथ कई सिनेमाघरों में टिकट ना मिलने से दर्शकों के चेहरे पर मायूसी साफ सी झलकती नजर आई। कई दर्शकों को दूसरे शो का भी इंतजार करना पड़ रहा है, तो कई सिनेमाघरों में टिकट भारी मात्रा में ब्लैक होने के कारण दर्शक उस फिल्म को नहीं देख पा रहे हैं। आपको बता दें कि इस फिल्म में काजल राधवानी और खेसारी लाल यादव की रोमांटिक जोड़ी भोजपुरी दर्शकों को बेहद ही ज्यादा पसंद आ रहा है। साथ ही साथ सम्मी खान का जोरदार एक्शन अवतार भी भोजपुरी दर्शकों को बेहद ही ज्यादा पसंद आ रहा है। यह फिल्म खेसारी लाल यादव के जीवनी पर आधारित फिल्म बताई जा रही है। हालांकि इस फिल्म में खेसारी लाल यादव एक सिंगर की भूमिका में हैं, तो वहीं काजल राधवानी भी सिंगर की भूमिका में नजर आ रही है। फिल्म में जोरदार एक्शन सीन के साथ साथ डायलॉग बाजी भी भोजपुरी दर्शकों को बेहद ही रोमांचित करता है। खेसारी और काजल राधवानी का जोरदार लिप लॉक किसिंग सीन भी भोजपुरी दर्शकों को बेहद ही आनंदित करता है और जमकर सीटियां बजाते हैं दर्शक। साथ ही साथ फिल्म में सीमा सिंह का आइटम तड़का भी भोजपुरी दर्शकों को बेहद ही आनंदित करता है।